इमीडिएट कॉल ऑन द नंबर यू सेलेक्टेड। बस कुछ मिनटों का हमें इंतज़ार करना है और हमें अभी हमारे नंबर पे कॉल रिसीव हो जाएगी, बस थोड़ा देर वेट करना है, ठीक है। मेरी कॉल आ गई है, एक मिनट के बाद मेरी। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात हम कैसे करेंगे, क्योंकि 2023 में अब तरीका बदल चुका है, कॉल जा नहीं रहे डायरेक्ट, हमको रिक्वेस्ट कॉल करना पड़ रहा है, तब उधर से कॉल आ रही है। आखिर प्रोसेस क्या है, कैसे हम बात कर पाएंगे, पूरी बातें बताएंगे। जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से आप कस्टमर केयर से बातें कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वागत करेंगे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्नो गोरक्ष पर, और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों, लाइव स्क्रीन की तरफ हम आ गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं ना कि कैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो हमारे फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर हैं उनसे बात हम कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, तो पूरी जानकारी आपको बताते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में ना आना है, यहाँ पे ओपन करना होगा फ्लिपकार्ट ऐप को, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करता हूँ, तो फ्लिपकार्ट ऐप को मैंने ओपन कर लिया। फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अकाउंट का, तो अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है। और आपको बताना चाहूँगा, जो हम लोग बातें करते हैं ना, वह अक्सर हम यहाँ पे कोई ऑर्डर होता है, ऑर्डर से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, माय ऑर्डर से यहाँ पे पूरा लोडिंग होगा। और हमें ऑर्डर से ही ऑर्डर के ही अकॉर्डिंग बात करना होता है, या यदि ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं भी बात करना है तो किसी एक ऑर्डर पे आप क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जब ऑर्डर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू पेज देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहीं पर नीचे नीड हेल्प का ऑप्शन आएगा, या तो और नीचे चले जाएगा, कहीं कहीं नीड हेल्प का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हम नीड हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे नीड हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे एक चैट सपोर्ट ओपन होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर, लिख के भेज देना है। जैसे कॉन्टैक्ट कस्टमर का आप लिखेंगे, यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन रिक्वेस्ट अ कॉल का, तो रिक्वेस्ट अ कॉल पर दबा देंगे। अब कह रहे हैं श्योर टू कनेक्ट यू द राइट कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव प्लीज टेल मी योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, आप किस भाषा में उनसे बात करेंगे। तो हमें तो जो बात करना है वो हिंदी भाषा में करना, तो मैंने हिंदी पे क्लिक किया। अब हिंदी पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं ओके आई हैव द फॉलोइंग नंबर एसोसिएटेड विद योर ऑर्डर, जस्ट सेलेक्ट द टू प्रोसेस। तो हमें नंबर सेलेक्ट करना है, किस नंबर पे कस्टमर केयर कॉल करेंगे। तो मेरे इसी नंबर पे कॉल, इसी सिम से, मतलब जो नंबर शो हो रहा है इसी नंबर से अकाउंट बनाया, तो इसी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो कहेगा ओके वी विल रिसीव एन इमीडिएट कॉल ऑन द नंबर यू सेलेक्टेड। बस कुछ मिनटों का हमें इंतजार करना है और हमें अभी हमारे नंबर पर कॉल रिसीव हो जाएगी, बस थोड़ा देर वेट करना है, ठीक है। मेरी कॉल आ गई है, एक मिनट के बाद मैं रिसीव करता हूँ। जी मैम, मेरा नाम रुपेश है मैम, मैं बात कर रहा हूँ, रुपेश मेरा नाम है। तो दोस्तों आपने देखा, मुझे कुछ बातें तो करनी ही नहीं थी, बस कॉल करना सीखना था, जो मैंने आपको सिखाया। जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को, लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।